मैं ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है। आप भी ठीक हो, हम भी ठीक है, राधे राधे सभी को। और आज हम चलते हैं, चाउमीन बनाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से हम चाउमीन बनाते हैं, जैसे मार्केट में लेने जाते हैं। और आज हम मार्केट की तरह घर पे बना के आपको दिखाएंगे। तो हम चलते हैं। हमने पानी रख दिया और गैस को ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं हम और तेल, ये डाल दिया हमने, ये ले ली चाउमीन मार्केट से। और इसमें ऑयल क्यों हमने तेल डाला पानी में, क्योंकि ये चपकेगा नहीं। और ये हम इसको उबाल के कम 4 दिन तक हम फ्रिज में रख सकते हैं, 4 दिन तक ख़राब नहीं होगी। उबली हुई रखी रहने दो, आप बनाइए 4 दिन तक। तो हम इसको डालते हैं इस तरह से। अब ये पकने लगी है चाउमीन, तो हम इसमें जो ये झाग ऐसी बनती है इस तरह से, इसको निकाल दें। क्योंकि इसको इसलिए निकालते हैं कि ये हमारी चाउमीन है जो ना एकदम, एक तो चपकती नहीं है और दूसरी खराब नहीं होती 2-4 दिन, इसलिए इसको इसलिए इस तरह से साफ कर दें बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हमने चाउमीन के लिए कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया हमने रिफाइंड, वो गर्म हो रहा है। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी करते हैं। ये लिया हमने पत्ता गोभी और ये हरे मिर्च और प्याज। हमारे यहाँ शिमला मिर्च, हमारे बच्चे और हस्बैंड हम कोई लोग हमारे यहाँ शिमला मिर्च नहीं खाते, इसलिए हमने शिमला मिर्च नहीं डाला। और ये हमने सोयाबीन लिया और पानी में इसको भिंजो देते हैं कम से कम 1/2 घंटा तो इसके लिए चाहिए। तो हमने ये पहले से भिगो दिया था और इसको अब पानी से निकाल कर और इसको पानी इस तरह से इसको हम निचोड़ देंगे, पानी नहीं रहे इसमें, इस तरह से इसको ऐसे करके निचोड़ देते हैं इस तरह से। और हमारा रिफाइंड तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले हम डालते हैं प्याज, प्याज हमारा भून चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम डालते हरी मिर्च, ये भी पकेंगे और इसके साथ साथ में हम डालते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी अच्छी होती है कैसे, और चाउमीन हमेशा तेज मतलब फुल गैस में बनाते हैं, ये नहीं हल्की गैस कर लो, फुल गैस में चाउमीन को तैयार करते हैं बनाते हैं। इसमें हम डालते हैं सोयाबीन, चाउमीन मसाला आता है, ये चाउमीन मसाला है और ये है चाइनीज नमक। आपको दिखाते हैं पास ले, इस तरह से
ये चाइनीज नमक है, ये चौमीन में डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का। ये मैंने डाल दिया मसाला, और इसमें डालते हैं नमक समुद्री। ये अच्छा नमक है, इसको हल्का डालते हैं। अब डालते हैं चौमीन इस तरह से, अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और चौमीन को हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये विनेगर, ये चौमीन में बहुत ज़रूरी होता है, चौमीन में विनेगर डालेंगे। और ये है सोया सॉस, चौमीन में पड़ता है, तो इन दोनों को हम चलते हैं। ये हल्का डालना, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। और ये भी हमारी चौमीन रेडी है, बन चुकी है, और खाने वाले भी रेडी हैं, तो बड़े प्यार से बनाते हैं। तो कितनी अच्छी तरह से इसे घर में बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद होती है, घर में बनाएं, सभी को खिलाएं अच्छी तरह से। देखिए किसी का मन तो नहीं चल रहा है खाइए, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी हमारी चौमीन बनी है। थैंक यू, बाय।